हे व्हाट्सअप गाइस, कैसे हम लोग, क्या हाल चाल। मैं दोस्तों आशुतोष सिंह स्वागत करता हूँ हमारे और आपके अपने चैनल अगाथियन राइडर पे। तो भाई लोग, अभी हम बैठे हुए हैं जावा की पेराग पे, जो कि काफ़ी अच्छी बॉबर बाइक है और सच बताऊँ तो मुझे पर्सनली बहुत पसंद है ये। मैं हर एक वीडियोज़ में हर बाइक लिए कहता हूँ, लेकिन ये सच बताऊँ ना, मुझे बहुत पसंद है। कभी ज़रूर मैं इसको लूँगा लेने का, बस मैं इसको इसलिए प्रेफर नहीं करता ना भाई यार, ये 300 सीसी बाइक है और जब भी लूँगा थोड़ा हायर सीसी जाऊँगा। बस एक यही सिंगल रीज़न है कि मैं इस बाइक को नहीं ले सकता, बाकी तो बाइक में कोई कमी नहीं है। बहुत ही इस सेगमेंट में, मतलब और इस रेंज में आप कोई बॉबर इतनी खूबसूरत आती ही नहीं है। ये ऐसी इकलौती बॉबर है जो इस प्राइस में आपको जावा प्रोवाइड करा रही है। तो चलिए, आज हम जावा की इस बाइक पर सीट हाइट का वीडियो बनाने वाले हैं। और अगर सीट हाइट की बात करूँ इस बाइक का, तो काफ़ी लोअर है, 750 mm इसका सीट हाइट है, जो कि सच बताऊँ तो शॉर्ट राइडर्स के लिए मतलब किसी मतलब क्या कहते हैं मिरेकल से कम नहीं है, या फिर कहते हैं ये बाइक शॉर्ट राइडर्स को भी बहुत मज़ा देने वाली है। तो मुझे तो काफ़ी खूबसूरत लगती है और काफ़ी बेहतरीन बाइक है भी। तो फिर मैं अभी चेक करता हूँ, बुलाता हूँ उन बाइक को, उसके बाद देखते हैं कि उनकी हाइट के अकॉर्डिंग ये बाइक उनको कैसी लगती है। उनकी हाइट 5'3" है, विदाउट शू एंड विद शू 5'4". बैठाते हैं उनको, फिर चेक करते हैं क्या रिस्पॉन्स मिलता है उनको। दोनों पैर ग्राउंड पे हैं क्या आपके पे? तो भाई लोग, आप देख सकते हैं कि ओम का दोनों पैर कंप्लीटली ग्राउंड पे है। बहुत लिटिल बिट डिफरेंट, मतलब कि बहुत लिटिल बिट हमको नहीं लगता, वो भी नहीं भाई, पूरा पैर कंप्लीटली ग्राउंड पे है, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं हो रही। आई थिंक दिक्कत नहीं होगी ना आपको, बहुत ही कंफर्टेबली 5'3" के हैं ये। जब असल से 5'3" का जो बंदा है वो बैठने के बाद उसके दोनों पैर कंप्लीटली ग्राउंड पे लग रहे हैं, तो कितना इसका सीट हाइट कितना बेहतरीन है शॉर्ट राइडर्स के लिए, आपको अंदाजा लग ही गया होगा। तो अगर इससे हम बात करें, चलिए इनके अकॉर्डिंग सही है। अब बुलाते हैं सत्यम को, वो तो 5'5" का है, बिठाने का मतलब ही नहीं है उसको, लेकिन फिर चेक कर लेते हैं बिठा के। थैंक यू भाई। ये पहली बाइक है जिसे बैठने के बाद सत्यम के पैर थोड़े से फोल्ड हो रहे हैं, यहीं तो पैर ग्राउंड तक पहुँच जाते थे लेकिन मुड़े कभी नहीं है, ऐसा नहीं हुआ कि वो मुड़ पाए। ये सबसे आई थिंक सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल है ना तुम्हारे लिए, बाकी सबको डेली यूज़ पे लेके जाते हैं, इसको उड़ाने ले जाए, इसको उड़ाने ले जा सकते हो। एक्चुअली गाइस, ये काफ़ी बेहतरीन, इसका इंजन काफ़ी बेहतरीन, तो पंची परफॉर्मेंस आपको देता है, ज़रा सा पावर लैक फील नहीं हुआ इस बाइक में सच बताऊँ तो। तो इस बाइक को आप एक बार चला के देखिए ना, तो आपको मज़ा आएगा। एक्चुअली बाइक ये ऐसी मशीन है ना कि आपको खुश कर देगी, आप एकदम इसे डिसअपॉइंट तो होंगे ही नहीं, ये मेरी गारंटी है। हाँ, वो आपकी प्रॉब्लम है, आप मेरी गारंटी को ब्रेक करने के लिए भले कुछ बोल दें वो अलग बात है, ये बाइक आपको उदास बिल्कुल नहीं करने वाली है। तो तुम्हें क्या लगता है सत्यम, कि हाइट के बंदों के लिए परफेक्ट रहेगी? अगर सबसे मैं शॉर्ट राइडर्स की बात करूँ, 5'3" तो उसका पूरा ग्राउंड पे पैर लग रहा था, 5 फुट तक तो आराम से लोग चला लेंगे, मतलब जैसे बाकी में पार्शली रहता था, 5 फुट तक तो आराम से हो जाएगा, बाकी उसके नीचे जाने में इसका वेट भी तो है। हाँ वेट तो है, लेकिन हमको नहीं लगता कि हाँ 5'4" थोड़ा नीचे प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, थोड़ा बढ़ना शुरू हो जाएगा, बस 5 फुट तक आराम से चला लेंगे। हाँ ये तो है, 5 फुट तक कम, आप 5'4" के आप हैं तो बहुत ही कंफर्टेबली इस बाइक को राइड कर पाएंगे, आपको दिक्कत नहीं होगी। हाँ, आप 5'4" जैसे नीचे जाएंगे, 5'3" 2" 1" तो आपका पैर हिल से थोड़ा सा उठने लगेगा। लास्ट में ये होगा कि मुझे जहाँ तक लगता है, जो 5'1" के बंदे या 5 फुट होंगे उनका टो ग्राउंड पे लगेगा, और अगर आपका टो ग्राउंड लग रहा है तो आप बहुत ही कंफर्टेबली राइड पर कर पाएंगे। हाँ थोड़ा सा ग्रिप आपको कम मिलेगा, लेकिन मुझे उतना लगता है उतना ज़्यादा इश्यू क्रिएट करेगा। आई थिंक कुछ दिन आप यूज टू हो जाएंगे उसके, क्योंकि अगर आपको पार्शली का पैर ग्राउंड पे लग भी जाता है गाइस, तो काफ़ी ज़्यादा देखा जाए तो रीच आपको मिल जा रही है, सही कह रहे हैं ना। तो यही है गाइस कि अगर आप 5'3" के हैं तो आप इस बाइक को बहुत ही कंफर्टेबली राइड कर पाएंगे। हमने देखा ओम का पैर दोनों पूरी तरह से ग्राउंड पे लग रहा था विद शू, वो 5'4" का है,
तो जो बंदे 5 फुट 2 इंच के हैं, 5 फुट 3 इंच के हैं, वो भी बहुत ही ईजिली बाइक को चला पाएंगे। और जहाँ तक बात रही 5 फुट वालों की, तो देखिए जहाँ तक मुझे आपका पैर कुछ ऐसे ग्राउंड पे आएगा, कुछ ऐसे, तो आई थिंक आपको उतना, अगर इतना पर्सनली पैर आएगा, इतना लग रहा है ग्राउंड पे, तो आप बाइक को आगे पीछे कर लेंगे। हाँ, थोड़ा सा वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, क्योंकि बाइक का वेट थोड़ा है, तो आपको थोड़ी प्रॉब्लम वही क्रिएट होगी, लेकिन आई थिंक कुछ दिन में आप यूज टू हो जाएंगे, आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होने वाली है। भाई अगर मैं बात करूँ कंक्लूजन की, लास्ट में क्या कंक्लूजन निकला, तो देखिए बात यह है कि जो बंदे 5 फुट 3 इंच के हैं, वो इस बाइक को बहुत ही कंफर्टेबली राइड कर पाएंगे, उनको बिल्कुल भी दिक्कत इस बाइक पे नहीं होने वाली है, क्योंकि तो उसका सीट हाइट वो काफ़ी लोअर है, 750 mm, आई थिंक और किसी बाइक में वो शायद ही हो, मुझे नहीं लगता, क्योंकि इससे लोएस्ट तो हमको नहीं लगता कोई और बाइक का होगा। तो जो शॉर्ट राइडर्स हैं वो भी बहुत ही कम्फर्टेबली इस बाइक को राइड कर पाएंगे, 5 फुट 2 इंच के भी आप हैं तो बहुत ही कम्फर्टेबली राइड कर पाएंगे, 5 फुट के भी आप हैं ना, इस बाइक को राइड कर पाएंगे कंफर्टेबली। हाँ, थोड़ी सी आपको दिक्कत होगी, क्योंकि आपका पैर थोड़ा आपके टो ही ग्राउंड पर लगेंगे, तो आपको थोड़ी दिक्कत होगी, अगर आपके पैरों में जान है तो बाइक को आपके पीछे मूव कर लेंगे। हाँ, थोड़ी अगर दिक्कत होगी उनको, जो थोड़ा बच्चे अंडरवेट होते हैं उनको थोड़ी दिक्कत हो सकती है, तो बाकी यही है कि ये बाइक शॉर्ट राइड में काफ़ी कम्फर्टेबल है, और पावर में तो आपको लैग दिखने को मिलेगी ही। बाइक ये इसका इंजन इतना पंची, इतना रिस्पॉन्सिव है ना, कि एक बार उसको थ्रॉटल देंगे तो ये बाइक तुरंत आपको अपनी औकात दिखा देगी। और अगर कोई सजेशन हो, कोई डाउट हो, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, या फिर इंस्टाग्राम पर डायरेक्ट DM कर सकते हैं, मैं जल्द से जल्द आपके क्वेश्चंस का, आपके कमेंट का जवाब देने की कोशिश करूँगा। तो यही था गाइज़, तो फिर चलते हैं, मिलते हैं जल्दी किसी और वीडियो में, तब तक गाइज़ टाटा बाय बाय।